वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बहुत 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 इंटरेस्टिंग रेमेडी अलोंग विथ केस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तब आपको ये समझेगा, ठीक है? तो इस रेमेडी के मैं तीन केस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? और दिस इज माई ओल्ड एक्सपीरियंस विद दिस रेमेडी एंड यू कैन यूज, चाहे तो आप पहले यूज कर रहे थे, अभी भी यूज कर सकते हो और इन फ्यूचर आप यूज करेंगी, ठीक है? तो इस केस को समझते हैं। सबसे पहले तो ये कि ये 26 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट मेरे पास आई, उसको ना मैरिड वुमन है, उसको इधर ये जो इतना स्पॉट है इतना, वहाँ पे उसको एक इरप्शन है जिसमें इंटेंस इंटेंस बर्निंग होती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है, ठीक है? और पूरा ये एरिया पस फॉर्म है, पस पस है, और वहाँ पे क्रस्टी पस, मतलब वहाँ पे ऐसा कि खुजड़ा हुआ है और पस जमा हुआ है वहाँ पे, और सीवियर सीवियर बर्निंग है। अब ये पेशेंट 8 महीने से इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो मेरे पास तो 8 महीने बाद आती है। तब तक उसने क्या किया, बहुत सारे 3 4 5 डर्मेटोलॉजिस्ट को जाके उसने कंसल्ट किया, ठीक है? डॉक्टर ने उसको डायग्नोस किया ये स्कैबीज है, ठीक है? बहुत सारी एंटीबायोटिक्स दी गई उसको, बहुत सारा ट्रीटमेंट दिया गया, बट वो ठीक नहीं हो रहा था, ठीक है? एक दो दिन के लिए थोड़ा सा पेन वेन सेटल होता था, बट वो ठीक नहीं हो रहा था। अब ये किसी ने मेरे पास इसको रिफ़र किया, ठीक है? तो ये पेशेंट मेरे पास आई, तो इनिशियली मैं वो प्रैक्टिस करता था जिसमें मुझे टोटलिटी लेना आता था, करंट टोटलिटी, माइंड वाइंड में उतना दिमाग में नहीं लगाता था, ठीक है? तो जब पेशेंट आए मेरे पास, उसको मैंने रेंडमली उसको कैंथेरिस दिया बर्निंग वर्निंग पेन के लिए, ठीक है? तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है? अब ये पेशेंट का तकलीफ धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, ठीक है? जो इरप्शन है उसका और ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, और ज़्यादा एरिया बढ़ गया, ठीक है? अब डॉक्टर ने उसको, एलोपैथ डॉक्टर ने उसको पस कल्चर के लिए बोला, रिपोर्ट आई, उसमें स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया आया, उसके ऊपर डॉक्टर्स ने एंटीबायोटिक्स दिया, हायर एंटीबायोटिक्स दिया, और ये पेशेंट नॉट गेटिंग बेटर, ठीक है? वो ठीक नहीं हो रहा है, ये सब चल रहा है एलोपैथी का उसका, और बार 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 हो रहा है। उसको थोड़ा बहुत सेटल होता है लोकल एप्लीकेशन देने से, एंटीबायोटिक्स देने से, बट वो वापस वापस और विगरस फॉर्म में आ रहा है प्रॉब्लम उसका, ठीक है? अब ये पेशेंट को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगा, इवन मेरे से भी एक मेडिसिन ले चुकी जिसको मैंने बताया कैंथेरिस। अब ये पेशेंट को टेंशन होने लगा, ये कहीं कोई बड़ी बीमारी जो ठीक नहीं हो रही है, ठीक है? और उसको ये डर है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो ये, तो इसको हम बाहर कंसल्ट करते हैं, मतलब नागपुर कोई बड़ी सिटी में जाके, ठीक है? तो हस्बैंड ने कहा कि अभी ये होम्योपैथ डॉक्टर साहब को एक बार और मिलते हैं, तो आई एश्योर्ड हिम कि ये 100% होम्योपैथी से ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे भरोसा है ना, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होम्योपैथी के लिए, ये ठीक कर लेगा, ठीक है? भले एलोपैथी में ठीक नहीं हो रहा, होम्योपैथी विल हैंडल दिस प्रॉब्लम। तो ये मैंने कहा कि रुक जाओ, आप रिजर्वेशन मत कराओ, और तो फिर वो मेरे कहने पर रुक गए, है ना? मैंने उनको एश्योर किया था। तब फिर मैंने कहा कि होम्योपैथी में बहुत सारे पहले भी रिजल्ट मैंने दिए हैं और आप भी ठीक हो जाएंगी, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर उसका हस्बैंड ने कहा ठीक है, देते हैं। तब उस टाइम का जो टोटलिटी मैंने लिया था, तब उसमें क्या था, सीवियर बर्निंग पेन होता था उसको, यहाँ पे ह्यूमिड इरप्शन, वहाँ पे पानी जैसा निकलता था, ठीक है? और स्किन स्किन झड़ रही थी, इसको इसका एफोलिएशन हो रहा था स्किन का, ठीक है? डिस्चार्ज था, ऊजिंग पस जैसा डिस्चार्ज हो रहा था, बर्निंग 24 घंटे जलन पौर 24 घंटे होती थी। और मैंने फिर तब पूछा कि आपको रिलीफ कैसे मिलता है ये आपकी जलन में, तो पेशेंट ने बताया कि जब मैं रिलीफ इसको धोती हूँ, वॉश करती हूँ, तो गर्म से वॉश करने से मेरे को बेटर लगता है।
तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मॉडेलिटी, इसके ऊपर मैंने, इस मॉडेलिटी के ऊपर मैंने ये मेडिसिन दिया, क्या? आर्सेनिक एल्बम 30, ठीक है, एक डोज दिया। और उसके बाद मैंने कहा कि आप मुझे मॉर्निंग में दिया, इवनिंग तक आप मुझे बताएं। तो इवनिंग तक पेशेंट ने बताया कि मुझे 80% बेटर हो गया है मेरा ये, ठीक है। उसके बाद उसकी जलन में बेटर हो गया। उसके बाद इसका नेक्स्ट मॉर्निंग फोन आता है कि ये इरप्शंस वापस आ गए, ठीक है, नहीं सॉरी, अभी हाँ, नेक्स्ट मॉर्निंग उसका फिर से फोन आता है कि ऑलमोस्ट इरप्शन गॉन एंड ये ठीक हो गया, इरप्शन ड्राई हो गए। तो मुझे लगा कि ये ठीक हो गया, अब इसको मैंने कोई रिमेडी नहीं दिया। वापस ये 15 डेज बाद फिर आती है, फिर से वहाँ पर जलन होना शुरू हो गया, वही इरप्शन वापस आना शुरू हो गए। फिर मैंने सेम सेम सिचुएशन, मैंने फिर उसको दिया आर्सेनिक, फिर से दिया आर्सेनिक 30, नो रिलीफ। आर्सेनिक वाटर डोज, नो रिलीफ। 200, नो रिलीफ। देन अब मैंने वापस केस लिया इस लेडी का, ठीक है। तो मैंने अभी देखो आप, तो मैंने उसका अब बर्निंग इरप्शंस, जो जलन हो रही थी और उस जो एरिया था उसमें जो जलन हो रही थी वो नाइट में, रात में ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। तो अब मैंने बर्निंग इरप्शन कैंट्रिपट्री में डाला, तो उस पे दो बर्निंग एग्रवेशन एट नाइट, स्किन इरप्शन बर्निंग पेन एग्रवेटेड एट नाइट। तो उसमें दो रेमेडी मेरे को मिली, रस्टॉक्स 3 मार्क, मर्क्सोल 2 नंबर। तो मैंने रस्टॉक्स दिया, रस्टॉक्स फेल। नेक्स्ट मॉर्निंग उसको मर्क्सोल दिया, तो मर्क्सोल देने के बाद उसने 24 घंटे बाद मुझे रिपोर्ट किया कि थोड़ा सा बेटर लग रहा है। तो मैंने कहा वेट करो आप, ठीक है, 2 दिन और वेट करो। तो उसने बताया कि 2 दिन बाद उसको 20 से 25% रिलीफ लग रहा है। तो मैंने कहा वेट करो आप, एस एल लो, लाइक एस एस, मतलब वो सॉरी प्लेसिबो दिया उसको। अब ये पेशेंट फिर आफ्टर 7 डेज, ठीक है, मक्सोल एक खुराक और दिया उसको, एक डोज और दिया, ऑलमोस्ट गॉन कंप्लेन, ठीक है, कंप्लेन उसका ऑलमोस्ट चला गया। बट अगेन 20 दिन बाद उसका इरप्शन वापस आ गया, 20 दिन बाद, ठीक है। तो 20 दिन बाद अब सेम सिचुएशन अगेन, ठीक है। अब मैंने फिर से उसका टोटलिटी लिया, तो अब पेशेंट, क्योंकि 2 बार हो गया ठीक नहीं हो रहा, तो अब पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि लाइक कोई ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो रही, ठीक है, और लगता है कि कैंसर, और भी मुझे डर है कि ये ठीक नहीं होगा फिर, ठीक है। तो पेशेंट ने अभी उसका हस्बैंड के साथ उसने रिजर्वेशन करा लिया, ठीक है, कि अब हम दिल्ली जाएंगे, वहाँ पर चेक करा के आएंगे, क्योंकि ये ठीक हो ही नहीं रही। तो अभी मैंने कहा जब तक उनका रिजर्वेशन तो हो गया, अभी अब उनको 7 दिन बाद मतलब उस टाइम टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल था, ट्रेन वाज सो हैवी, ठीक है, टाइम तो थोड़ा 4-5 दिन की बात थी कि 4-5 दिन बाद इनका रिजर्वेशन फिक्स हुआ है, इनको तब जाकर टिकट मिलेगा। तो तब तक के लिए मैंने 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 ट्राई किया, मैंने ट्राई करता रहा, ठीक है, मैंने मर्सोल 200 दिया, बट कोई रिजल्ट नहीं। फिर से मेरे पास वो पेशेंट को मैंने फ़ोन करके बुला लिया, तो फिर मैंने सब कुछ जब फेल हो गया तो मैंने कहा एक डोज सल्फर दे दो 30, उससे भी कोई रिजल्ट नहीं, ठीक है। अब पेशेंट ने कहा कि थोड़ा सा बर्निंग उसका बढ़ गया, तो मैंने कहा वेट कर लो आप। तो फिर 2-3 दिन बाद पेशेंट ने कहा कि कोई प्रॉब्लम, कुछ सब कुछ वैसे ही चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, अब मैं नहीं रुकने वाली। तो मैं सोच रहा था कि अभी तो इसका रिजर्वेशन 3-4 दिन का है, तब तक मैं कुछ करता हूँ। तो फिर मैंने कहा कि अब फिर से बताओ अभी क्या हो रहा है। तो पेशेंट ने बताया कि देखो आप, पेशेंट ने बताया कि अभी बर्निंग हो रही है, वैसा ही जलन हो रहा है, अब गर्मी से बढ़ रहा है, मैं पंखे के सामने बैठती हूँ ना तो इसमें आराम मिलता है मुझे, और बर्निंग भी ना ऐसा लगता है कि जैसे कुछ डंक मार रहा हो, ठीक है, स्टिंगिंग पेन हो रहा है। तो और गर्म से जब मैं कपड़े कवर करके रखती हूँ तो ज़्यादा जलन होती है, और जब मैं
इसको हवा में बैठती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। इसके ऊपर मैंने मेडिसिन दिया, ठीक है, मैंने कहा कि तब तक आप इसको और ट्राई कर लो, आप फिर नहीं होता तो आप चले जाना। तो मैंने दिया इसको एपिस मेल 30। अब एपिस मेल 30 देने के बाद आफ्टर 2 डेज नो रिलीफ, 2 दिन हो गया नो रिलीफ, 3 दिन हो गया नो रिलीफ। अब जाके जिस दिन इसका रिजर्वेशन था, जिस दिन इसका रिजर्वेशन था उस दिन इसका फोन आता है कि सर 50% बेटर हो गया है। तो मैंने कहा कि आप कैंसिल कर दो ये अपना रिजर्वेशन, 100% ये ठीक हो जाएगा। तो उसके हस्बैंड मतलब दूर से रिलेशन में ही है, तो उसका हस्बैंड ने मेरी बात मान ली और उसने छोड़ दिया कि अभी रुक जाओ। अब 1 वीक बाद पेशेंट टोटल बेटर, मतलब उनका रिजर्वेशन कैंसिल हो गया, वो लोग नहीं गए। 1 वीक बाद टोटल बेटर, ओनली सिंगल डोज एपिसमेल, ठीक है। अब हो गया 1 महीने, हो गया 2 महीने, हो गया, नेवर रिटर्न, वो जो इरप्शन है उसका वापस नहीं आया। और आज अभी उसको तो करीब 7-8 साल हो गया, 9 साल 10 साल आज भी मेरे कांटेक्ट में, क्योंकि वो मेरे दूर के रिलेशन में है। तो सी इज स्टिल रिमेन क्योर्ड, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ना मेहनत करनी है, मतलब आपको नहीं छोड़ना है पेशेंट को, पेशेंट जब तक आपको ना छोड़े, ठीक है। तो इसका मतलब यू हैव टू परसीवर, आपको परसीवर करना है अपने पेशेंट के साथ, पेशेंट करे या ना करे, आपको अपने ऊपर फेट होना चाहिए, आपको अपनी मेडिसिन के ऑफ फेट होना चाहिए। इट विल वर्क्स, ऑफ कोर्स ये काम करेगी, काम कराने वाला चाहिए। तो होम्योपैथी डॉक्टर्स में हमको क्या चाहिए? परसिवरेंस चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, पैशन चाहिए, एंड ट्रस्ट चाहिए, बिलीफ चाहिए कि ये करेगा। पॉजिटिविटी चाहिए, ठीक है, बट आपको काम करना है, आपको आप अपना एफर्ट लगाना है, एंड गॉड विल क्योर। तो दिस वॉज द केस ऑफ एपिस मेलिफिका। अब देखिए, मैं एपिस का थोड़ा सा और आपको बताता हूँ। एक बच्चे को जस्ट आर्टिकेरिया हुआ, ठीक है, आर्टिकेरिया, वो 4 साल का बच्चा, ठीक है। अब उस बच्चे का जब आर्टिकेरिया, लार्ज बिग पैच, बड़े बड़े पैच, और आप आर्टिकेरिया का कलर जानते हैं, उसमें इंटेंस इचिंग हो रहा है, ठीक है। तो बच्चा खुजाया जा रहा है और बड़े बड़े पैचेस हैं, तो ये बड़े बड़े हाइव्स के साथ, वो जो रेडनेस, वो जो अर्टिकेरियल का रेडनेस होता है, हाइव होता, मतलब हाइव मतलब अर्टिकेरिया, ठीक है। तो एपिस गरम गरम लगता है पेशेंट को, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी रेमेडी है, बट जस्ट आई यूज एपिस, ठीक है। और एपिस देने के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद ही उसका अर्टिकेरिया टोटल गॉन, टोटल गॉन, ठीक है। तीसरा केस मैं बता रहा हूँ, एक बच्चे का फोटो आया। अभी बच्चों के केसेस में ना आपको ना डिफरेंट टेक्निक यू हैव टू अप्लाई, लाइक माइंड मेथड, इफ यू अंडरस्टैंड वेल देन यू गो थ्रू द माइंड सिम्टम, इफ यू नॉट वेल अंडरस्टूड एंड देर इज नो प्रॉपर सिम्टम, देर इज नो अल्टरेशन इन द जनरल स्टेट ऑफ द चाइल्ड्स माइंड, देन वॉट यू विल डू। तो कई बार मैं भी फंसता हूँ, तो फिर मैं माइंड वाइंड छोड़ देता हूँ, मैं देखता हूँ कि ये क्या है, किस तरीके का इरप्शंस है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रोजी, ठीक है, रोज के कलर का, रेडिस, इनफ्लेम्ड, और इची टाइप्स ऑफ इरप्शंस। एक बच्चे का फोटो आया ऐसे करके, मैंने उसको, मुझे दिमाग में था कि इस तरीके का बच्चा है ये, माइंड के ऊपर मैंने दिया, नहीं काम किया, क्योंकि वो मैंने कहा कि माइंड अभी क्या, बच्चा तो बोला कि बच्चा तो वैसे ही है ना, बस खुजलाती है, ठीक है, ये इरप्शंस पूरी बॉडी में हो गए और खुजलाती है। मैं पिक्चर भी लगाऊंगा आपके लिए, तो खुजलाती है। तो अब आप देखिए, उसको अगेन एपिस दिया मैंने, एपिस 30, सिंगल डोज, ऑल इरप्शंस गॉन, सिंगल डोज एपिस 30। तो ये बहुत पिक्यूलियर है एपिस का, कि इस एपिस का बहुत ही बढ़िया एक्शन है उसका स्किन के ऊपर, स्टिंगिंग, स्टिंगिंग,
बर्निंग पेन, स्टिंगिंग लाइक हनी बी, जैसे मधुमक्खी काटती है ना, इस तरीके का पेन होता है पेशेंट को। आप देखिए कहीं पे भी इरप्शन, बर्निंग, बर्निंग पेन, बर्निंग लाइक फायर एंड स्टिंगिंग पेन, मतलब चुभ रहा है कुछ, जल रहा है, आग की तरह जल रहा है। एंड रिलीव्ड बाय कोल्ड एप्लीकेशन, ठीक है, ठंडी हवा से अच्छा लगता है। वहीं पर वार्म एप्लीकेशन, नाउ द रेमेडी इज आर्सेनिकम एल्बम। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गर्म से इसको ना, गर्म से तकलीफ बढ़ती है एपी स्मेल की, तो जो भी तकलीफ है इसका गर्म से पेशेंट को ना हीट इंटॉलरेंस होता है, हीट एग्रेवेशन होता है। तो जैसे हमारे वो पुराने वाले केस में था कि उसको ना गर्मी से तकलीफें बढ़ती थी। तो ये जो इम्पोर्टेंट अर्टिकेरिया हो गया, अर्टिकेरिया एकम्पेन विद अस्थमेटिक ट्रबल, ठीक है, इसमें भी बहुत अच्छा एपिस्मेल का रोल है। कई बार देखेंगे आप बुखार के टाइम पे पेशेंट को अर्टिकेरिया आ जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे भी आप एपिस्मेल सोच सकते हैं। फायरी रेड, मैंने आपको बताया ना, फायरी रेड, इस तरीके के बर्निंग, स्टिंगिंग, इस तरीके का पेन मिलता है। यूरिथ्रा, यूरिथ्रा प्रॉब्लम, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बहुत शानदार रेमेडी है ये आपका एपिस्मेल। बट यू हैव टू, आपको ऐसे नहीं देना है, आपको टोटेलिटी मिलानी है, तब जाके आप इस रेमेडी का यूज कर सकते हैं। ये रेमेडी एक और बहुत बढ़िया यूज है इसका एडिमा के लिए। कहीं पे भी इडीमा हो और पेशेंट को ना, बट इडीमा एकम्पेन्ड विद थर्स्टलेसनेस, उसको प्यास नहीं लगती, शरीर में पानी भरा हुआ, उसको प्यास नहीं लगती, ठीक है। तो बताया मैंने आपको कि जो एपिस है, एपिस में ना एनासर का है, बॉडी में स्वेलिंग है, पानी भरा हुआ है, इडीमा है, लेकिन एपिस में प्यास नहीं लगती। वहीं पे हमारे पास एक और बढ़िया रेमेडी है, कौन सा, एपोसाइनम। एपोसाइनम के पेशेंट को ना एनासर का है, बॉडी में स्वेलिंग है, इवन एसाइटिस है, और उसमें ना पेशेंट को प्यास बहुत लगती है। तो ये आप रेमेडी इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है। और अभी आप देखिए कि लास्ट वाले केस में ना फियर ऑफ डिसीज था उसको, फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिसीज, फियर ऑफ डिसीज बीइंग इनक्योरेबल बीइंग ऑफ, मतलब मुझे कोई ऐसी बीमारी है कि जो ठीक नहीं होने वाली है, ऐसा लग रहा है, ठीक है, या ऐसा लगता है कि कोई ऐसी बीमारी जो ठीक नहीं होगी। फियर ऑफ डिसीज इनक्योरेबल बीइंग ऑफ, फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज ऑफ, कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी जो ठीक नहीं होगी। तो इस तरीके का मूड भी होता है एपिस्मेल का। अभी आप देखिए इसमें बहुत पिक्यूलियर पिक्यूलियर साइन है जो आप फिजिकल से भी ऑब्जर्व करके मेडिसिन दे सकते हैं, क्योंकि आप हर बार, हमको कई बार माइंड है तो पेशेंट में बट समझ नहीं पाते हम। तो कई बार देखिए आप कि पेशेंट आएगा इधर पर स्वेलिंग, ये जो एरिया है ना, यहाँ पर स्वेलिंग होती है, तो यहाँ की जो स्वेलिंग होगी एपिस्मेल में स्वेलिंग होगी, बट स्वेलिंग ऑलवेज एकम्पेन्ड विद थर्स्टलेसनेस, उसमें प्यास नहीं होती है। वहीं पर काली काम में यहाँ पर स्वेलिंग होगा, यहाँ पर स्वेलिंग होगा, अपर लिड में स्वेलिंग होता है काली काम में, ठीक है। और इस ये रेमेडी ना बहुत जेलेसी रेमेडी है, बहुत ज़्यादा जेलस होता है, बहुत ज़्यादा एंग्री, एंगर, वायोलेंट, क्राइंग, क्राइंग लाइक पल्सेटिला, डिपेंडेंट लाइक पल्सेटिला, ठीक है, जेलसी लाइक लैकेसिस। तो ऐसी रेमेडी, वेरी सेंसिटिव टू टच, लाइक आप देखो आप जहाँ पे स्टिंग बाइट करता है, हनी हनी भी बाइट करती है ना, तब आप देखिए वहाँ पे कितना ज़्यादा पेन होता है, एक मतलब छोटा सा टच नहीं करने देता। तो लाइक बेलाडोना, लैकेसिस टाइप का ये रेमेडी है जो ओवर सेंसिटिविटी रहती है इसमें, ठीक है, बर्निंग, स्टिंगिंग, सोरनेस, इस तरीके का पेन होता है इसमें। और इसमें ना एलमेंट फ्रॉम जेलसी, एलमेंट फ्रॉम जेलसी, जेलसी की वजह से इसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बच्चों के साथ जेलसी होती है, बट बच्चों में स्पेशली जेलसी होती है। तो वहाँ पर दो रेमेडी हमारे पास आए, हायोसाइमस और इग्नेसिया, ठीक है। तो ये इन जनरल एलमेंट फ्रॉम जेलसी, एलमेंट रेज तक, वैक्सेशन,
रेज मतलब बहुत जबरदस्त गुस्सा आता है। एलिमेंट फ्रॉम बैड न्यूज, कोई बुरी खबर मिल गई किसी को तो इसको एलिमेंट्स आना वहां से शुरू होते हैं। हार्ड टू प्लीज एक बहुत बढ़िया इसमें, हार्ड टू प्लीज भले रूब्रिक में ना हो कि इसको संतुष्ट करना बहुत मुश्किल होता है, इसको प्लीज करना बहुत मुश्किल होता है, इसको खुश करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, लाइक इपिकाक, हार्ड टू प्लीज। आप कई सारे बच्चे आते हैं, कई सारे बच्चों को घुमाते फिराते रहेंगे आप, वो चुप होने का नाम ही नहीं लेते, तो दिस इज हार्ड टू प्लीज। दिस इज ऑल अबाउट एपिस इज अ सो बिग बिग रेमेडी, बहुत बड़ी रेमेडी है, बहुत यूजफुल रेमेडी है इन द करंट सिनेरियो, एंड इट विल ऑलवेज बी यूजफुल इन अवर क्लिनिकल प्रैक्टिस। सो हमको समझना होता है कि अभी आप देखिए इसमें माइंड वाइंड कुछ नहीं खास नहीं था, बट पेशेंट वॉज द कंप्लेंट वॉज एपिस्मेल एंड कवर्ड बाय एपिस्मेल। ठीक है, तो आपको स्टक नहीं होना है, आपको हर तरीके आने चाहिए प्रैक्टिस में। सो फ्रॉम माई साइड अभी ये छोटा सा मैंने केसेस के साथ आपको एपिस्मेल का छोटा सा जिस्ट देने की कोशिश करी है, और आगे भी केसेस मिलेंगे तो मैं एपिस की सेंड करूँगा आपको। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड जो लोग लर्न करना चाहते हैं एक्चुअल होम्योपैथी तो आप मुझे कॉल करिए 9752820258। आई विल एड यू इन अवर ग्रुप। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।